अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सिंपल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ से शुरू होता है मेरा मुल्तान टूर पार्ट टू। होपफुली आपने पार्ट वन देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मुल्तान पार्ट वन ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आज मैं आई हूँ हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार पर। ये एंट्रेंस गेट है, इसका नाम है बाब कासिम, और ये 1953 में अपनी तकमील को पहुंचा था जी। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ साथ साथ। हज़रत शाह रुकन आलम, उनके फादर का नाम था पीर सदरुद्दीन आरिफ, और वो मुल्तान में 26 नवंबर 1251 में पैदा हुए थे और 3 जनवरी 1335 में उनकी वफ़ात हुई थी। उनके दादा का नाम शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया था। ये मज़ार तुगलक हुक्मरान गयासुद्दीन ने 1320 से 1324 में तामीर करवाया था, और किताबों में लिखा है कि वफात से 3 माह कबल आपने गोशा नशी इख्तियार कर ली थी। फ़क्त नमाज के लिए बाहर आते थे। 16 रजब को नमाज असर के बाद उन्होंने अपने ख़ास खादिम को हुजरे में बुला कर कहा कि हमारी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम कर लो, इस रोज़ नमाज मगरिब के लिए आप हुजरे से बाहर नहीं आए, बल्कि इमाम को हुजरे के अंदर बुला कर वहीं नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने नवाफिल के लिए सजदे में सर रखा और इसी हालत में वफात पा गए। अब यहाँ से मकबरे की एंट्रेंस है, और यहाँ से आप अंदर जूते पहन के नहीं जा सकते जी। तो ये एंटर होके काफ़ी वसी मैदान है, राइट साइड पे एक मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि वो सिर्फ मर्दाना मस्जिद है उस साइड पे। ये मकबरा है, इसकी एंट्रेंस पे भी मैं आपको लेके चलूँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आपको इर्द गिर्द के सारे नज़ारे दिखा रही हूँ कि वहाँ पे और क्या क्या है। फ़र्श वैसे काफ़ी गर्म था और छोटे छोटे पत्थर भी बहुत थे, पाँव में काफ़ी चुभ रहे थे। और यहाँ पे अगर आपको कोई फूल पत्तियाँ लेनी हो और आपको चढ़ानी हो उधर डालनी हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ से एंट्रेंस पे उन्होंने कहा था कि वीडियो इस एरिया में इस रूम की आप नहीं बना सकती, तो मैंने यहाँ कैमरा ऑफ कर दिया। फिर उन्होंने कहा था अंदर आप बना सकती हैं, तो यहाँ से ये मकबरे की मैंने सारी फुटेज ले ली थी। लोग इस पर चादर चढ़ाते हैं और इधर बैठ के दुआ कर रहे थे। और ये राइट साइड में पर्दे के पीछे छोटी सी जगह बनाई हुई है औरतों के नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, वहाँ से बाहर आते हुए भी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि एकदम से काफ़ी रश था। वहाँ पे भी कुछ दिए जला रहे थे लोग और कोई मन्नतें मान रहे थे। और आप इस दरख्त पे देख सकते हैं, उस वक्त तो हम बहुत हैरान हुए कि ये क्या है। बच्चे कह रहे थे कि मामा ये एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ये रुइन कर रहे हैं हमारे प्लैनेट को शॉपर बांध बांध के। लेकिन बाद में ये पता चला कि लोग यहाँ पे ना मन्नत मानते हैं कोई, और उसको यहाँ पे आके ये बांध देते हैं। अब ये एटलीस्ट धागे होने चाहिए, लेकिन ये शॉपर बांध के जाते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो आके इसको खोल देते हैं। तो ये लोगों का ईमान है और वो ये करते हैं। अच्छा, लोग काफ़ी मानते हैं, काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए थे। जैसे पूछा ना मैंने लेडीज़ से, तो बता रही थी दूसरे दूसरे शहरों से आई हुई थी यहाँ पे मन्नतें मानने। और इधर सामने आपको एक दीवार पे काला सा निशान नज़र आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। उधर औरतें आके माथा टेकती हैं और दुआ करती हैं, मन्नतें मानती हैं, उन्होंने बताया। ये सामने जो नज़र आ रहा है, उसके बाद बच्चे बज़िद थे कि हमने
परिंदों को दाना डालना है, तो फिर हमने वो ले लिया। हमने कहा चलो एटलीस्ट ये कर लेते हैं, हम बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। जी, मुल्तान की गर्मी से तो आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन माशाल्लाह इस दिन इतना प्यारा मौसम था, इतनी अच्छी हवा चली, मौसम बहुत अच्छा हो गया। अब ये सामने जो आर्ट गैलरी है, मैंने आपको किला दिखाया था दूर से, एक्चुअली वो एक आर्ट गैलरी है, उधर जा रहे हैं हम। सो लेट्स सी, आसपास पार्क बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो वो लोगों का काफ़ी हजूम था, लोग पिकनिक पार्टी के लिए आए हुए थे। इसकी एंट्री टिकट पर पर्सन 10 या 20 रुपीज़ थी, वो यहाँ से हमने परचेज की और फिर यहाँ से एंटर हुए हम। तो आइए आप मेरे साथ साथ देखिए।
ये यहाँ हम रूफ टॉप पे आ चुके हैं और इधर से सब कुछ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। पूरा मुल्तान सिटी आप देख सकते हैं। जी, मुल्तान आए और वहाँ की स्पेशल आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर फ़ायदा ही नहीं। काफ़ी मज़ेदार आइसक्रीम है। अच्छा, ये इन्होंने माशाल्लाह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मदीना शरीफ की मस्जिद जैसी बनाई हुई है, तो इसका मैं गाड़ी में चलते चलते यही फुटेज कैप्चर कर सकी, लेकिन बहुत प्यारा बनाया उन्होंने। और यहाँ से बाकी की कुछ सिटी आप मेरे साथ साथ देखिए, वहाँ पे बस सर्विस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, ये वाली बसेस। और अब हम बारबेक्यू टुनाइट आ गए हैं। बच्चों ने ऑनलाइन देखा था बारबेक्यू टुनाइट में कोई ट्री हाउस, तो ट्री हाउस में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। खाना एक्चुअली हमने पिज़्ज़ा है, लेकिन यहाँ पे हम बस सिर्फ इसका पार्क देखने के लिए आए हैं।
तो ये डे वन ही है हमारा मुल्तान में, अभी जिस दिन हम गए हैं उस दिन डे वन की है। आगे डे टू बी कंटिन्यूड है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में दिखाऊंगी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। जी तो इस तरह हमारे दिन का अख्ताम हुआ था। यहाँ पे खेलते कूदते, ये एक लेक है, इसके अंदर बोटिंग वगैरह हो रही है। अंधेरा काफ़ी है, नज़र नहीं आ रही। बस पिज़्ज़ा हट आ गए हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। एंड होपफुली यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।